गरम कढ़ाई में हम लोग डाल देंगे, फिर ये मरेगा और इसको मरने के बाद इसको पकाऊंगी, जिंदा तो नहीं पका सकते मसाला। ओह माय गॉड, देखा ये देखो रेशम का कीड़ा, इसको जिंदा है अभी, देखो देखो। तो गाइस देख रहे हो ये रेशम का कीड़ा, देखो ये हम लोग खाते हैं अभी, आज यही शायद बनाएंगे ये लोग, तो ये ले लूंगी अभी यहाँ से। देखो फिर आपको भाई ये बड़ा सिल्क है तो इसको 3 पीस करो, बेटर होगा क्योंकि हम लोगों के ऑफिस में बहुत। तो देखो ये पीस कर रही हूँ छोटा छोटा, देखो ये सीजर से काटना अच्छा हो। सो गाइज द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू ईट, तो अभी मैं खाऊंगी देखो। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। तो आज जा रही हूँ कुछ प्रोडक्शन का सामान खरीदने, जैसे कि उस दिन उस वीडियो में बताई थी ना, जो हम लोग का स्टेज का काम चल रहा है, हम लोग का स्टेज का साइज थोड़ा पहले छोटा था, अभी बड़ा करवा रहे हैं हम लोग, तो उसी का प्लाई खरीदने जा रहे हैं। स्टेज पे लगवाने वाले जो प्लाई होती है वो प्लाईबोर्ड खरीदने जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मेरा दोस्त, मेरे दो भैया। तो चलो आज क्या क्या खरीदे, और थोड़ी सब्जी वगैरह भी हम लोग खरीदेंगे और बहुत कुछ करेंगे यार, सिर्फ खरीदने के लिए नहीं जा रही, बहुत सारी मस्तियां भी करेंगे। हम लोग ऐसे बाहर नहीं निकलते, जब भी निकलते कुछ धमाके धूम तो मचाते हैं, तो वीडियो में बनते रहो गाइस। हिमांशु भैया और ये निपेंडा ऑन ड्राइविंग, और ये हमारे चूतिया रूप, सबको ये इसको तो सब जानते होंगे, ये हमारा सेलिब्रिटी है प्लस हमारा कुक है हमारे ऑफिस का। तो क्या आप मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे फैन को, मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? नहीं कुछ आपसे मतलब सुनने की तमन्ना इन लोगों को, तो आप थोड़ा दो शब्द बता दो। बाल ठीक करने का नहीं बोल रही हूँ, कुछ बताओ, मुंह खोलो, बाल बाद में ठीक कर लेना, कुछ बताओ, दो शब्द बताइए ना व्यूअर्स को। ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, दिस इज ब्लॉग, ओके, ब्लॉग में सब कुछ होता है। देखो इसका दिमाग में कुछ है ही नहीं, उसको खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं आता है, है ना? तो क्या करके आ रहे थे मोबाइल पे? गाना बजा रहे थे। तो हम लोग अभी हाईवे पे आ गए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सिटी का वीडियो लिया नहीं यार, क्या दिखाए सिटी, ये दोनों फोन पे लगे हुए है। देखो गाइस यू कैन सी रेशम का कीड़ा, अभी हम लोग ये लेके जाके बनाएंगे, दिखाओ अच्छे से दिखाओ, ये देखो ओह माय गॉड, दिखा, ये देखो रेशम का कीड़ा, इसको जिंदा है अभी, देखो खा लो इसको, अभी हम लेके जाके पकाएंगे। इसका रेशम निकल गया है, देखो ये दिखाई दे रहा है रेशम। तो गाइस देख रहे हो ये रेशम का कीड़ा, देखो ये हम लोग खाते हैं अभी, आज यही शायद बनाएंगे ये लोग, तो ये ले लूंगी अभी यहाँ से, देखो देखो ना देखो। तो गाइस रेशम का कीड़ा खरीद लिया, अभी 280 रुपया लिया ना, कितना था? 280। अभी हम लोग आए प्लाई के मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में, जो दिखाएंगे आपको, प्लाई खरीदेंगे अभी। क्या खा रहे हो भाइयों? बोलना देख लिया, पसंद भी कर लिया, ऑर्डर किया, आएंगे 2 दिन में। अभी यार प्यास लगी, आमुल फुल खा रही हूँ, दूसरा कुछ ठंडा हुआ ही नहीं। चलेगा तो गाइस मार्केट वगैरह घूम लिया हूँ, अभी हम लोग भोजन करेंगे, पेट पूजन। तो देखो आज क्या क्या खाते हैं, एक ट्राइबल होटल पे आई हूँ, रोटी ऑर्डर किया हूँ और ट्रेडिशनल फूड वगैरह, मतलब यू नो ट्राइबल फूड वगैरह भी इस होटल पे मिलता है, तो अभी ट्राई करूंगी खा के। गाइस देखो ये रोटी ऑर्डर किया था, ये रोटी आ गया दाल के साथ, ये चटनी प्याज, ये देखो ये हमारे आंटी, ओ टूथपिक के साथ, और ये समझ में तो आ ही रहा है, ये भुक्कड़ हिमांशु भैया, ये देखो ये पॉर्क हमारे निपेन भैया को सर्व कर रहे हैं। निपेन भैया कैसा लग रहा है? मस्त है खाना, मस्त है बोलो, देखो इसका हाथ देखो। ये पॉर्क है दोस्तों, पॉर्क फ्राई ड्राई फ्राई मंगवाया है रोटी के साथ खाने के लिए। तो भाई यार खाना वाना खा लिया, सुअर खा लिया, फिर अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग जाएंगे न्यू दुकान,
नतुन दुकान आठगांव जाएंगे हम लोग, गुवाहाटी आठगांव। वो फ्लाई का मतलब कुछ एमएम का कुछ फर्क आ रहा है, पसंद ना आ रहा है, तो इसलिए आठगांव पे जाएंगे। चलो है दोस्तों, तो देखो ये गुवाहाटी का आईएसबीटी है, आईएसबीटी, और आईएसबीटी का बगल में वो बालाजी टेम्पल। हेलो, ये ब्रिज, मेरा घर भी इसी साइड जाता है, लेकिन मैं अभी आई हूँ पुराने घर की ओर से। तो गाइस पूरा दिन घूमते घूमते बाजार वगैरह करके, शॉपिंग वगैरह करके ऑफिस पहुंची हूँ। अभी अंधेरा ही हो गया बाहर। यार प्लाई वगैरह का ऑर्डर था, स्टेज वगैरह बनवाने के लिए दिया था, वही सब चेक करने गए थे। पूरा दिन लगा, लंच भी बाहर किया। तो अभी जो सिल्क था ना, और रेशम का कीड़ा जो खरीदा था बाजार से, उसको भी पकाऊंगी। तो चलो दिखाऊंगी कैसे पकाती हूँ। तो गाइज ये रेशम का कीड़ा, सिल्क का कीड़ा, इसको देखो अभी भी जिंदा ही है। पूरा दिन हम लोगों के साथ ये सफ़र कर रहा था, अभी भी जिंदा है, स्टिल अलाइव। इसको अभी गरम कढ़ाई में हम लोग डाल देंगे, फिर ये मरेगा, और इसको मरने के बाद इसको पकाऊंगी। जिंदा तो नहीं पका सकते मसाला वसाला के साथ। अभी इसको मारना पड़ेगा ना निपन भैया, इसको भी मारना पड़ेगा। देख लो इसको, एक एक दो पहले से मरा हुआ था, तो इसलिए ये थोड़ा डिकम्पोज होने लगा था, तो इसलिए वो हम लोग सेपरेट करके फेंक देंगे। जो अभी भी जिंदा है उसको ही पकाएंगे। तो गाइस ये अभी जिंदा था ना, अभी ये गरम कढ़ाई में इसको दे दिया, अभी ये मरेगा। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था वो ये कढ़ाई, तो इस पर अभी हम लोग जिंदा वो सिल्क जो होता है उसको डाल दिया हूँ। तो ये अभी मरेगा, धीरे धीरे मर रहा है। और हमारे निपन भैया इसको अभी हल्का सा स्टीम में पका रहा है। तो गाइस ये देखो, ये रेशम का कीड़ा सब मर चुका है। अभी हम लोगों ने कढ़ाई से बाहर मतलब एक कंटेनर पे यहाँ पे ले लिया। फिर इसको ये बड़ा वाला है, देखो जूम करके दिखा भाई दर्शकों को। तो ये बड़ा वाला है, तो इस फिर आपको भाई ये बड़ा सिल्क है, तो इसको थ्री पीस करो बेटर होगा, क्योंकि हम लोगों के ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं अभी। तो मतलब छोटा छोटा पीस करोगे तो ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम खा सकेंगे ना। तो देखो ये पीस कर रही हूँ छोटा छोटा, देखो ये सीजर से काटना अच्छा होगा, होता है सीजर से काटने से। अगर आप ये चाकू वगैरह से काटोगे ना, तो ऐसे काटनी पड़ेगी ना, अच्छा से नहीं कट नहीं होगा। तो बेटर यूज सीजर टू कट दिस इनटू स्मॉल पीसेस। देखो ओ देखो देखो तो गाइस ये देखो कट हो गया अभी थ्री पीसेस में, और ये ऑनियन और ग्रीन चिली रेडी है, और ये कढ़ाई गैस ऑन, तो अभी पकाएंगे। तो ये मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा करके देना, क्योंकि ये ड्राई फ्राई होगा ना, तो इसलिए इस पर मस्टर्ड ऑयल थोड़ी ज़्यादा करके देनी चाहिए, ताकि ये ऑयल पे ये वाली जो सिल्क है, सिल्क पूरा डूब जाए। तो अभी सिल्क दे रही हूँ, देख लो जो ऑनियन है ना, उसको ब्राउन होने तक फ्राई मत करना, क्योंकि ये जो सिल्क वॉर्म होता है ना, इसको भी फ्राई करनी पड़ती है ना। तो ऑनियन के साथ और ये दोनों एक साथ फ्राई हो गए तब फ्राई होता है, तभी ऑनियन जो होता है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होता, जल नहीं जाता है। तो इसके लिए ऑनियन और सिल्क वॉर्म को साथ में ही फ्राई करो। एडिंग सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये हो गया हल्दी। तो गाइस ये फ्राई होते होते अभी कलर हो रहा है, इतना अच्छा कलर आया ना, पूरा येलो, थोड़ी देर बाद ब्राउन हो जाएगा, फुल ब्राउनी। तो गाइस इट्स नाउ रेडी टू सर्व, यू कैन सी द कलर, इट्स फुल ब्राउनी, लुक्स डिलीशियस।
सो गाइज द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू ईट। तो अभी मैं खाऊंगी, देखो कितना ओपी कलर आई है ना, ऑसम या डेलिशियस, खाने का मजा ही कुछ और होगा इसको। तो अभी खाऊंगी मैं। तो राकेश दा, मतलब कैसा लग रहा है आपको ये देख के हाथ में, मतलब ये क्या है? ये शर्मा रहा है। तो यू कैन सी गाइस, राकेश दा और मेरे हाथ में ये सिल्क वॉर्म, जिसको असमिस में पोलुपुक बोलते हैं, पोलुपुक बोलते हैं ना, हाँ पोलुपुक बोलते हैं। तो नाउ वी विल ईट दिस, हम लोग खाएंगे अभी एक साथ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। राकेश दा कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। कितना टेस्टी है? बहुत, कितना? बहुत ज्यादा। तो हम लोग अभी खाएंगे ये। तो गाइस आज का वीडियो तो यही है, और सिल्क वॉर्म से ही आज का दिन हम लोगों ने गुजार दिया। इस सिल्क वॉर्म के साथ हम लोग का सफर आज इसके साथ ही था, और हम लोग कितने चूतिया है, इसको हम पूरा दिन घुमाया अपने साथ। तो अभी इसको खाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।